फैसल यूल बिल्कुल नजर आएगा, वो देखे ना निकलसन मोनोमेंट वाजे नजर आ रहा है। सर कोशिश की हमने पूरी, नहीं आपने माशाल्लाह जी कोशिश की है जी। आपने रिकॉर्ड सुन जल्दी सर यहाँ पे कुछ क्या कहेंगे अभी इतने हाइट पे खड़े होते हैं जी। माशाल्लाह फैसल टाउन में एक्सेस मॉल की छत के ऊपर आप खड़े हैं, यहाँ पे हेलीपैड भी मौजूद है और मैं शफीक साहब और हाफिज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इनके एक्सेस मॉल में डोटा का भी शोरूम हो रहा है और ग्लोरिया दीन का भी इफ्तिताह हो रहा है। तो माशाल्लाह ये खूबसूरत शाहकार है, आप देखें इधर विंड प्रेशर और क्लीन क्लीन एयर क्या माहौल है। तो ये खूबसूरत जगह पर खूबसूरत एक्सेस मॉल हो रहा है जो मेन फतेह जान तरनौल इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर है। इससे बड़ी ज़्यादा आबादियाँ तरनौल से लेकर फतेह जंग आधा पिंडी इस्लामाबाद और ये पूरा एरिया इधर 200 के हिसाब से सोसाइटी में सब लोग इंशाल्लाह तआला इधर शापे के लिए। बहुत शुक्रिया सर। क्या समझते हैं कि ग्लोरिया जींस के आने से सराउंडिंग में क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा? देखिए जी, मैं अभी बात कर रहा था कि इस्लामाबाद जब बने को 40 साल गुजर गए तो उसके बाद ग्लोरिया जीन या बाकी कॉफ़ी शॉप आई थी, तो फैसल टाउन को अभी बने 4 साल भी नहीं हुए और इस एरिए में पहली दफ़ा हिस्ट्री में इन इलाकों की जो जितनी भी हिस्ट्री है, क्योंकि जो तो बड़े सदियों पुराने गांव हैं इधर, सदियों पुराने इलाके हैं, शेरशाह सूरी रोड इधर से गुजर रही है, तो इधर ग्लोरिया जीन जैसी ब्रांडेड चेन का आना ये बहुत बड़ी बात है और ये अहले इलाका के लिए हादी साहब की तरफ से, शफीक साहब की तरफ से और हमारी तरफ से ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि वो अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जगह पे आएंगे, सिटिंग करेंगे, चाय पियेंगे, कुछ स्नैक्स खाएंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। बहुत खूबसूरत जी, देखे जी ग्रांड साहब की बिल्डिंग बड़ी उठ के आ रही है और व्यू भी देखे